फन टाइम। आपकी होस्ट मीरव चौधरी, करेंगे आज हम आपसे बहुत सारी बातें और करेंगे लोगों से कॉमन सेंस के सवाल। आज मैं आई हूँ रमज़ान बाज़ार, तो चलिए अब रमज़ान बाज़ार के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम अब्बास अब्बासी है। आपने ये बहुत ज़्यादा प्यारा आपने सेटअप किया हुआ है। ये जो है ना जनाब डीसी साहब अमर नायक साहब और जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपना उन्हों का और साजिद रियाज साहब सीओ और मैं जो है ना यहाँ पे फोकल पर्सन उन्हीं की सारी की सारी उन्होंने जो हिदायत दी है उन हिदायत पे अमल करके इसी हवाले से हमने ये सेटअप बनाया। इस तरह का हमने पहली दफ़ा जो है ना ये सारा का सारा हमारे जो है कमांडर हैं जनाब डीसी साहब उनकी हिदायत के मुताबिक हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बाकी कम दिन बच गए हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह जो है ना हम कामयाब होंगे। उनकी हिदायत हैं जो हमें जो है ना मिल रही हैं स्टेप बाई स्टेप और इसी हवाले से हम जो है ना कामयाब हो रहे हैं। स्टॉल का जो है ना हम विज़िट करवाते हैं कि जो जो उन्होंने हिदायत दी हैं। पहले जो स्टॉल लगे हुए थे वो लगे हुए थे दो, फिर डीसी साहब ने हुक्म दिया कि स्टॉल लगाएं आप तीन, लेडीज़ का अलहदा और जेंट्स के दो हों। जो आपके सामने है ये लेडीज़ है अपना स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल पे आपको लेके चलते हैं। ये आटे का स्टॉल है, सुबह 9 से 6 बजे तक वो शख्स खाली नहीं जाता, 6 बजे तक चलता है, 9 से 6 बजे तक। ये रमज़ान बाज़ार का एक और स्टॉल जो सब्ज़ी है, हर वक्त शहर में जो दुकानें लगी हुई हैं उनमें इस तरह का है जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है और साफ़ सुथरी और बारियायत। ये मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया, अभी इतनी नीट है ये। अब हम आपको कोल्ड ड्रिंक जो है ना उस पे जो है उस स्टॉल पे ले चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो बारियत बाज़ार से एक बोतल से 20 रुपए 30 रुपए का डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? खलील बाबर। आप यहाँ पे मैनेजर हैं? नहीं, फोकल पर्सन हूँ इधर रमज़ान बाज़ार में। आपने इतना ज़्यादा अच्छा सेटअप लगाया कि ये अगले साल भी ये गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक ये काम हो रहा है। जनाब डी साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं और वज़ीर आला साहब के हिदायत के मुताबिक ये जो है ना इतना खूबसूरत बनाया हुआ है और लोगों को काफ़ी सारा रिलीफ मिल रहा है। बाकी बाज़ार के रेटों से इधर बहुत काम सस्ता मिलता है। गोश्त के हवाले से बाज़ार में कैसे हो रहा है? गोश्त भी इधर 40 रुपये 50 रुपये कम है और अच्छा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। आपका रोज़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है मुझे। आप रोज़ा इधर ही खोलते हैं या? बस हम जब तक ये इधर रश रहता है, जब तक ये चहल पहल रहती है, सौदे वगैरह सारा कुछ ये सिस्टम चल रहा है, चीनी चल रही है, सारा सामान चल रहा है, जब तक यहाँ पे रश होता है, लोग होते हैं, हम भी इधर होते हैं, इधर भी रोज़ा कभी खोल लेते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ये सिस्टम ठीक चल रहा है। देखिए नाज़रीन, आज हमारे साथ छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे कुछ फ़न कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मीरव। मेरा नाम भी मीरव ही है। कौन से स्कूल? क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल। अच्छा, आप कौन सी क्लास में? 2। क्या सुनाना चाहेंगे? पोएम। मैं हूँ मीरब क्लास 2 से। कहना ये था कि एक साल से घर बैठ बैठ के तंग हो चुके हैं और हमारे दिमागों में जंग हो पड़ चुके हैं। अब मैंने सोचा कि आज मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ आपसे वो यादें, वो बातें और मुलाकातें, जब सुबह सवेरे उठते थे और नाश्ता वर्जिश करते थे, फिर खर्चा बस्ता लेते थे, स्कूल का रास्ता लेते थे, फिर टीचर प्यारी आती थी, हमको खूब पढ़ाती थी, फिर
बड़े ग्राउंड में जाते थे, कुछ खेलते थे, कुछ खाते थे, वो सब कुछ याद आता है और दिल को बड़ा दुखाता है। और अब घर में है बंद रात दिन, टीवी में भी कोरोना जिन टंटनान, नाजनीन 3000 में से 2000 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, टंटनान, टीवी से जान छुड़ाती हूँ, किसी दोस्त को फ़ोन मिलाती हूँ तो क्या सुनने को पाती हूँ, कोरोना वायरस की तादाद खतरनाक है और जानलेवा भी हो सकती है, 6 फुट का फासला रखें। शाबाश, वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छी तरह याद है। किसने याद करवाया? मैंने मम्मा से याद करवाया। ये बताएं हमारे दिल का वज़न कितना होता है? हमारा दिल का वज़न, चलिए आपको बहुत ज़्यादा हिंट दे देते हैं, अभी ग्राम में होता है। एक और सवाल पूछते हैं, अब हम भी, वो कौन सी चीज़ है जिसकी जो चमड़ी है ना वो उतर जाती है, उससे दर्द नहीं होता लेकिन हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? प्यास। वो कौन सी चीज़ है जो 3 साल तक सो सकती है? स्नेक, नहीं नहीं, स्नेल। आप किसके साथ आई हैं? मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ। अच्छा, आप अपनी मम्मा को तंग करती हैं या मम्मा बाबा को तंग करते हैं घर में? नहीं, स्कूल से बोर हो रहे हैं जी। क्या मज़ा आ रहा है आपको घर बैठे हुए? नहीं आ रहा। ये देखिए आप, ये छोटी सी जो है डॉल है, ये बिल्कुल डॉल है और ये फन कर रही है कैटों के साथ। अच्छी लगी आपको ये? हाँ। कितनी कितनी अच्छी लगी आपको ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू ज़र। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी। क्या सुनाना चाहेंगे? पोएम सुनाए। 1, 2 बकल मा शू, 3, 4 नोक एट द डोर, 5, 6 पिकअप, 6, 7, 8 ले दम स्टे, 9, 10 अ बिग फैट हैन। जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? क्रिसेंट ग्रामर स्कूल। अच्छा, कौन सी क्लास में? 3। आपको पोएम किसने याद करवाई? मैंने खुद याद की। खुद याद किया। घर में तंग करते हैं मम्मा बाबा को? अच्छा, स्कूल से बोर हो रहे हैं? नहीं नहीं हो रहे, मज़ा आ रहा है घर में बैठे हुए? मज़ा आ रहा है घर में बैठे हुए? नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मसब उमेर। आपसे हम अब कॉमन सेंस के कुछ सवाल करने लगे। हमारे दिल का वजन कितना होता है? हमारे दिल का 1.5 केजी। केजी है यानी ग्राम में है? कोई ऑप्शन तो दे दे, वैसे तो मुझे इतना बड़ा हिंट दे दिया है, ग्राम में है। एक ग्राम में है, आई डोंट नो। कह दे मैं हार मान गया। जी कहीं हार मान? हार कैसे मान गया, कोई आप ऑप्शन तो दे फिर मैं। मैंने इतना बड़ा हिंट दिया, आपको भी ग्राम में है? एक ग्राम में है, ग्राम में है, 1 है 4 है 2, इतने मैंने 4 ऑप्शन में से दे, एक हो प्लस 100 प्लस में है, हार माने के? जी हार। शाम और रात के दरमियान में क्या आता है? शाम और रात के दरमियान में यही दिन हुआ था और क्या होता है? हाँ, सॉरी घर में नहीं आता, हार माने। अच्छा चले, आता है अलिफ, देखें, शीन अलिफ शाह मीम, शाम बन गया, फिर उसके बाद और आ गया, फिर रात जो था उसके आया रे अलिफ और ते आ गया, अलिफ आता है ना। ठीक है, थैंक यू। आइए तो हम अब शहरियों से बात करते हैं और उनसे कुछ सवालात भी करते हैं। आपका नाम? शौकत खान। अच्छा, अब हम ना आपसे कॉमन सेंस के कुछ सवाल करेंगे। हमारे दिल का वजन कितना होता है? हाँ जी, हमारे दिल का वजन कितना होता है? दिल का वजन तो देखा तो है, छोटा सा होता है, लेकिन ये पता नहीं कितनी होता है। अच्छा चले, आपको हिंट देते हैं, अभी ग्राम में होता है। हाँ जी, ग्राम में होता है, हिंट दिया है। ग्राम का पता नहीं कितनी होता है। 100 प्लस तकरीबन 150 होगा, 240, 250। वो कौन सी चीज़ है जिसकी जो चमड़ी है ना वो उतरती है लेकिन हमें दर्द नहीं होता, उसे दर्द नहीं होता लेकिन हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? इंसान की चमड़ी होती है या? नहीं, वो कौन सी चीज़ है? नहीं, ये पता नहीं है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो 3 साल तक सो सकती है? स्नेल। अब मुझे लग गई है थोड़ी सी भूख, तो अब हम बेकरी ढूंढ रहे थे, हमें बेकरी यहाँ पर मिल गई है, बहुत प्यारी बेकरी है, इसके अंदर देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद फहीम सर। आपके पास क्या क्या है?
जी हमारे पास बेकरी का आइटम है और हमारे पास जनरल स्टोर है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और यहाँ पे समोसे, पकौड़े, सैंडविच, क्लब सैंडविच सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी, अब आप बताएं मैं क्या खाऊं? इस टाइम तो अभी माह रमज़ान में हमारा सारा कुछ स्पेशल बना हुआ है, जो चीज़ आपको जहाँ से अच्छी लगे वो आपको हमारे स्पेशल जहाँ पे ये है, ये सैंडविच है, क्लब सैंडविच है, हमारे क्रीम सैंडविच है, तो ये बेस्ट है, हमारा स्पेशल है, आप ये ट्राई करें तो बेस्ट होगा। अब हम ख़रीदारी से पहले इनसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल पूछ लेते हैं। जी हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, अभी हमारे दिल का वज़न कितना होता है? दिल का वज़न कितना होगा? दिल का वज़न होगा तकरीबन 230, इतना ही होगा। एक हिंट दे देती हूँ, है ग्राम में, लेकिन आप बहुत नज़दीक हैं, है ग्राम में। ग्राम में है तकरीबन 250 ग्राम तक होगा। और वो कौन सी चीज़ है जिसकी जो है ना चमड़ी उतरती है लेकिन उसे दर्द नहीं होता, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? जिसकी चमड़ी उतरती है, जानदार है वो? प्याज। अब आप अपनी होस्ट मीरफ चौधरी को इजाज़त दें, नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।